अपनी ही सरकार के खिलाफ अक्सर बोलने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाना बनाया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सत्यपाल मलिक ने रविवार को हरियाणा के दादरी में एक कार्यक्रम में कहा कि जब वो कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे तब वो घमंड में थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी बहस भी हो गई थी। मलिक ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा हमारे 500 लोग मर गए तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं। मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे क्योंकि आप राजा जो बने हुए हो। इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि पीएम ने कहा कि अब आप अमित शाह से मिल लो, जिसके बाद मैंने अमित शाह से मुलाकात की। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को कृषि कानूनों के विरोध के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और फसलों के लिए एमएसपी को कानूनी ढांचा देने के लिए ईमानदारी से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन केवल स्थगित कर दिया गया है और अगर कोई अन्याय हुआ तो ये फिर से शुरू हो जाएगा।